हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते अभिजीत। इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं? कोशिश चल रही है दया, बाकी तो टाइम बहुत कम है। कहिए। मैं एक डॉक्टर हूं और अपने पेशेंट से मिलने जा रही हूं। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकती, और वैसे भी अभी तो एक डॉक्टर उनका चेकअप करके गए। हाँ, मुझे पता है, बट मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं, उसी डॉक्टर ने मुझे भेजा है फाइनल चेकअप के लिए। अपनी आईडी दिखाइए प्लीज। जा सकती है। रुकिए, सुरक्षा के तहत हमें आपकी एक फोटो ले रही होगी। देखो डॉक्टर, मुझे नहीं पता था सरकारी मेहमान की खातिर इतनी अच्छी तरह से की जाती है। गहरी सांस लीजिए। सब समझते हैं कि मुझे ससाई मौत हुई है,
और मैं मरने वाला हूँ। बड़ी खूबसूरत हैं आप, इसलिए आपको एक राज की बात बताता हूँ। ए, ड्रामा बंद कर, क्या बोलना चाहता है बोल। और मेरी खुफिया खबर से ना कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। अरे भाई, जब खबर ऐसी है तो सौदेबाजी तो करूंगा ना सरकार से। और आज हम लाइव टीवी के जरिए वो राज जानेंगे जो शेरा जानता है, उन अपराधियों को पहचानेंगे जिन्हें शेरा पहचानता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अपराधी आएंगे पास जब आप जानेंगे राज। तो आइए देखिए शेरा कब आएगा। आ गया शेरा, आ गया शेरा। हमें बताइए आज आप कौन से राज का खुलासा करने वाले, बताइए हमें। मेरी सर में झंझनाहट हो रही है। चुप। साहब, ये झंझनाहट मेरी जान ले लेगी। चुप। बहुत हो गया तुम्हारा। जैसा तुमने बोला था वैसे ही कर रहे हैं। जो कुछ कहना प्रेस के सामने कहो। मैं नाटक नहीं कर रहा, नाटक नहीं कर रहा, सब ठीक तो है ना सर? सब कुछ ठीक है, नाटक कर रहा है ये। हम पहले ही बहुत बड़ा रिस्क ले चुके हैं एक क्रिमिनल के कहने पे उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाकर। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई गड़बड़ हो जाए और प्रेस को हमारे डिपार्टमेंट पे कीचड़ उछालने का मौका मिल जाए। सर आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। कौन सा खतरा, कैसा खतरा? शेरा पूरी बात बताओ, क्या होने वाला है? देखो जो कुछ कहना है यहाँ पे करो, नाटक मत करो। मुझे कुछ कर दिया है, मुझे बचाना, वो मुझे मार डालेगा। कौन मारना चाहता है तुम्हें? वही जो ये नहीं चाहता कि मैं वो राज सबके सामने बता दूं। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचाओ। डरो मत शेरा, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता मत करो। कॉल एम्बुलेंस। क्या बात है? अरे क्या हुआ शेरा? शेरा बोलो क्या हुआ? माय गॉड, इट्स डन। और अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है जो दिल दहला देने वाली है। शेरा जो हमारे सामने हमारे समाज और कानून के दुश्मनों का राज खोलने वाला था, उसकी मौत हो गई है। He is dead। आश्रय, घोर आश्रय। क्या ये भी एक साजिश है? इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोई शेरा को मारकर चला गया और किसी को पता तक नहीं। सॉरी सर, लेकिन हमने अपनी तरफ से तो पूरी सावधानी बरती थी सर। वो तो दिख रहा है कैसी सावधानी बरती थी आपने। सर हमारी निगरानी बहुत ही कड़ी थी, लेकिन सारी गड़बड़ उस लेडी डॉक्टर के आने के बाद हुई सर। लेडी डॉक्टर? मुझे लगा था कि उस लेडी डॉक्टर में कुछ गड़बड़ है, वो तो बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही थी सर। अरे तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? है? सर हमने उसकी आईडी चेक की थी सर, अब कह रहे थे कि स्पेशलिस्ट है और शेरा के कुछ फाइनल टेस्ट करने हैं। भला सर डॉक्टर्स के काम को हम कैसे रोक सकते हैं सर? डॉक्टर के काम को कैसे रोक सकते हैं? काम कर गई ना वो डॉक्टर तुम सबके नाक के नीचे से। आप लोगों ने उसे देखा है ना, उसका स्केच बनवाइए। सर मैंने उसकी फोटो ली। गुड, एक मिनट। सर ये रही उसकी फोटो। ये है वो। पूर्वी हमारे रिकॉर्ड चेक करो, देखो इसके बारे में कुछ मिलता है क्या। सर कोई फायदा नहीं होगा सर। तुम्हारा मतलब? सर वो लड़की भेष बदल कर आई थी, मैंने जाते हुए देखा है उसे। सर वो अपना बिग निकाल रही थी, उसके बाल काले और घुंघरेले थे। सर कुछ और बताओ।
हाँ सर, सर उसने डस्टबिन में कुछ तो फेंका था। सर जब हम शेरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेकर गए तो वो बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा था सर। अजीब सी हरकतें मतलब? कभी अपने सर को खुजा रहा था, कभी अपनी गर्दन को जोर से झटका दे रहा था। वो कह रहा था कि उसके सिर के अंदर कुछ है, जैसे कोई उसको डंक मार रहा हो। सर, सर डस्टबिन से ये ग्लव्स मिले। सर ये ग्लव्स कुछ अजीब से चिपचिपे हैं, जैसे कुछ स्टिकी सा लगा हुआ है इनपे। काम करो, सारंगी को काम पे लगा देते हैं, फोरेंसिक लैब भेज दो। पुलिस हमेशा की तरह अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठ गई और वो राज जो शेरा हमारे सामने खोलने वाला था अब उसके सीने में ही दफन हो गया। क्या अब हम कभी जान पाएंगे हमारे ऊपर आने वाले उस बड़े खतरे के बारे में? किस आतंक का इशारा कर रहा था वो जो इस शहर पर आने वाला है? यह हम आपके लिए पता लगा कर रहेंगे। आप देखते रहिए अपराधी कौन, क्योंकि अपराधी आएंगे पास जब आप जानेंगे राज। या शेरा की मौत की वजह बता। शेरा की मौत की वजह, उस कत्ल की वजह पता चली भी है और नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि ये एक्सरे देखो, यहां पर ये काला धब्बा देख रहे हो, बस शायद यही मौत की असली वजह है। लेकिन ये धब्बा है क्या ये अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा सालों के साहब, ये पूर्वी को जो ग्लव्स मिला था डस्टबिन में से, जिस पे चिपचिपा वो स्टिकी पदार्थ है, उसका कुछ पता चला क्या है वो? उस चिपचिपे पदार्थ में हमें किसी खास किस्म के बैक्टीरिया मिले हैं जो अक्सर मछली या सांप में पाए जाते हैं। लेकिन खूनी सांप और मछली के साथ क्या कर रहा था वो? बस तुम बता रहे थे कि शेरा मरने से पहले अपने कान और सर में दर्द की शिकायत कर रहा था। हाँ, ये गुत्थी जल्दी सुन जाएगी। इस लड़की ने जरूर अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरा बदलने की कोशिश की है। अब देखते हैं असली चेहरा क्या है। सर इस सॉफ्टवेयर से हम इसका असली चेहरा सामने ला सकते हैं ना? मगर सर वार्ड बॉय के हिसाब से तो उसने पहले अपनी विग उतारी थी। तो चलो शुरू हो जाते प्रणी, इसकी विग हटा दो। और उसके बाल काले और घुंघराले थे। पूरा का पूरा चेहरा बदल गया। हाँ फ्रेडी, इस लड़की का असली चेहरा ये है। ये चक्कर क्या है? क्या हुआ सर? अरे वो तो गायब है। क्या? अरे तारिका, वो स्कैनिंग में काला काला धब्बा जो दिखाई दिया था वो तो अब दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो अब क्या करें? जी साहब, देखा है। देखा है सर? जी साहब, उसके सर पर स्कार्फ था और चेहरे पर काला चश्मा। सुजिन सर, इस आदमी ने इस लड़की को देखा है सर। लड़की को देखा है? जी साहब। कहाँ देखा? साहब मैंने कल उसको इस हॉस्पिटल से पिकअप किया था। और कहाँ छोड़ा उसे? साहब होटल रेड स्टार।
होटल रेड स्टार। ये तो चल रहा है मूविंग। गॉड, इसका मतलब इस मरे हुए शरीर में ये चीज अभी भी जिंदा है। और ये जिंदा चीज ही इसके मरने का कारण है। इसे तो बाहर निकालना पड़ेगा, पर कैसे निकाले? ऑपरेशन तो कर नहीं सकते, कभी भी मूव कर जाएगा। फिर से कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। गाड़ी बंद पड़ रही थी तो लाए क्यों? गाड़ी खराब नहीं थी सर, समझ में नहीं आ रहा है, बीच रास्ते में धोखा दे दिया। ये रास्ता तो पूरा सुनसान है, लगता नहीं किसी से लिफ्ट मिलेगी सर। वही तो, हमारे पास वक्त भी कम है। अगर हम उस रेड स्टार होटल पे नहीं पहुंचे तो कातिल हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक काम करो, अभिजीत दया को फोन करो, देखो कहां पर है वो। शाहरुख खान, ये ईल का खून तो बहुत जहरीला होता है ना? बहुत ज्यादा जहरीला होता है। खूनी ने इस ईल को इसके शरीर पर डाल दिया? हाँ तारिका, शायद कान के जरिए इसके शरीर में डाला है। कान के जरिए? सर इसको पता कैसे नहीं चला होगा? सुनकर दिया होगा कान, एनेस्थीसिया से। इसलिए सर उस ग्लास पे वो चिपचिपा सब्सटेंस था, ईल का। कुछ भी हो, ये खूनी जो कोई भी है बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसी साहब, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। ऐसे क्यों देख रहे हैं, धूप का असर नहीं है? एक्चुअली शाहरुख खान है। बाय द वे शाहरुख, ये है इंस्पेक्टर सचिन। हां यस सचिन, हाउ आर यू? और मैं फ्रेडी, आपका बहुत बड़ा फैन हूं। एक्चुअली फैन तो मैं आप लोगों का, जिस तरह इस शहर में आपने अपराध पर काबू रखा हुआ है और हमारी सुरक्षा करते हैं, आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। दरअसल मैं अपने दिल वाले फिल्म के प्रमोशन के लिए जा रहा था, लेकिन आपको मेरी कुछ मदद की जरूरत हो तो बेहिचक कह दीजिए, मुझे खुशी होगी।
थैंक यू वेरी मच शाहरुख। वैसे हम भी एक खूनी का पीछा कर रहे हैं, रेड स्टार होटल में है वो, लेकिन अब पता नहीं गाड़ी हमारी बंद पड़ गई, पहुंच पाएंगे भी या नहीं। इज इट ओके इफ आई लुक एट योर कार? प्लीज सर, आप गाड़ी भी चेक कर सकते हैं। मैं कुछ भी कर लेता हूँ, आपने तो फिल्मों में देखा है। देखते हैं इसके साथ क्या गड़बड़ है। सर मैं गाड़ी बड़ी आराम से चला रहा था, अचानक हिचकियां मारने लगी और बंद हो गई। ऐसे ही हिचकी नहीं आई, किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की। क्या, हमारी गाड़ी के साथ छेड़छाड़? कोई चाहता था कि अचानक आपकी गाड़ी इस इंसान एरिया में आकर बंद पड़ जाए। लेकिन सर ऐसा कर कौन सकता है? वही सचिन, जो चाहता नहीं कि हम वक्त पर होटल पर पहुंच जाए और खूनी को पकड़े। लेकिन सीआईडी के हाथ से ना कोई खूनी निकला है, ना ही कभी निकलेगा। वो कैसे सर? मुझे लगता है मैंने ठीक कर दी। रेडी, एक बार स्टार्ट करके देख। थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू वेरी मच। वैसे आप फिल्मों में हीरो तो है ही, लेकिन आज हमारे लिए इस वक्त सुपर हीरो बन गए आप। वो कहते हैं ना, दिल तो सभी के पास होता है, मगर सभी आप जैसे दिल वाले नहीं होते। नो, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने कहा, शुक्रिया अदा तो हमको आपका करना चाहिए। इस शहर में हम बेखौफ इसलिए घूम सकते हैं क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सब लोगों को न्याय दिलाते हैं। और मेरे लिए बहुत फख्र और खुशी की बात है कि मैं सीआईडी टीम की थोड़ी सी मदद कर सका। वैसे शाहरुख साहब, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो गई। हम सब की तरफ से, पूरी सीआईडी टीम की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू। मुझे विशेस की जरूरत है, मेरी फिल्म 18 दिसंबर दिलवाले रिलीज हो रही, और आप लोगों को भी अगर वक्त मिले तो प्लीज देखिए। जरूर। अरे सर, चेन्नई एक्सप्रेस मैंने 15 बार देखी थी। लुंगी डांस भी करता है आज। और दिलवाले मैं 25 बार देखूंगा, सिल्वर जुबली। Way to go, Freddy. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sajan. Thank you, sir. You have a good day. ज़रा ध्यान से देखिए, हमें इस लड़की की तलाश है और हमें खबर मिली है कि लड़की आपके होटल में ठहरी हुई है। सर, इस होटल में बहुत सारे गेस्ट हैं, किसी एक को पहचानना बहुत मुश्किल है। दिमाग पे जोर दो, इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। क्या हुआ सर, कुछ खतरे की बात है क्या? आप एक काम करो, पिछले 48 घंटे में जितने भी गेस्ट आए हैं ना, सबकी लिस्ट चाहिए हमें। उनकी आईडी वगैरह है ना आपके पास? जी सर। और सीसीटीवी फुटेज भी देखनी है हमें। ओके सर, इनके साथ जाओ, जल्दी चले चलते। समझ में नहीं आ रही, वो लड़की यहीं इसी होटल में क्यों ठहरी है? सर हो सकता हो यहाँ छुपकर अपनी पहचान छुपाना चाहती हो। सर ये भी हो सकता है कि उसका निशाना ये होटल ही हो। यहाँ तो बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं, अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच जाएगी। हमें इस होटल का चप्पा चप्पा छान मारना चाहिए। अगर उसने होटल में कुछ रखा है तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। सर ये लीजिए गेस्ट लिस्ट। ऐसा भी काम आप कीजिए। जी सर। होटल में जितने भी गेस्ट है ना, सबको बाहर निकालिए। सर कुछ तो बताइए, हुआ क्या सर? ये इमरजेंसी है, आप समझ लीजिए, सबकी जान खतरे में है, देर हो जाएगी तो कोई नहीं बचेगा। प्लीज हरी अप। प्लीज। ओके सर। पूरे एम्बुलेंस को फोन करो, जितने इमरजेंसी सर्विसेज है सबको फोन करके इमीडिएटली बुलाओ यहाँ पे होटल में। और श्रेया, लॉबी और ऊपर सीढ़ियां चेक करो, देखो कोई रह तो नहीं गया। सर अभिजीत, हाँ मैं ऊपर देखता हूँ। ठीक है सर। सर सीसीटीवी फुटेज में कोई भी सस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। कोई भी नहीं? नहीं सर। एक काम करो, यहाँ पे जितने भी लोग भी होटल में सबको बाहर निकालो। सर सर एक्सक्यूज मी सर, सर बार बार सर मेरी बात। सर मैं यहाँ का गेस्ट नहीं हूँ, रिपोर्टर हूँ सर मैं। तो मैं जानता हूँ सर आप सीआईडी टीम से हैं। सर यहाँ कुछ होने वाला है क्या सर? प्लीज अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। आपको नाक से खून बह रहा है, तबीयत ठीक है आपकी? अरे सर, सर बेहोश हो गए। इसके नाक से भी खून बह रहा है और इनके नाक से भी। ये तो किसी तरीके का इन्फेक्शन है, लगता है हमें आने में देर हो गई। यू ऑल आर इन्फेक्टेड, सब मारे जाएंगे। ये इन्फेक्शन छूने से, आसपास आने से फैलता है। कोई भी इस होटल से बाहर जाएगा तो बाकी लोगों पर भी इसका असर होगा। दरवाजा बंद करो जल्दी। तो सोच लो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज आप लोग
पीछे हो जाइए प्लीज। यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन जैसा फैल गया। ये तुम्हारे नाक से खून? कहां पर हो तुम? अच्छा, मगर ये सब हुआ कैसे? हाँ सर, किसी ने हवा में जहर मिला दिया सर, सब लोग इन्फेक्टेड हो गए, इसीलिए हमने ये दरवाजा खिड़की अंदर से बंद कर दिया। ये सर, ये जो अनाउंसमेंट हो रही थी वो रूम का है, वो मुझे देखना है। आई सर, दिखा दो। चलिए चलिए, ठीक है। देखो, चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ तो करते हैं। ओके, घबरा मत। ठीक है सर, किसानों के आता ही होगा। चल चल सालू, जल्दी चल, लोगों की जान को खतरा है। बॉस, मुझे उसके लिए ब्लड सैंपल चाहिए, दया का। दया, एक मिनट, अपनी बात कर। हेलो दया, यार तुम अपना ब्लड सैंपल दे सकते हो? और सुनो, अपनी कमीज का एक टुकड़ा भी काट के फेंकना। ठीक है सर, मैं अभी भेजता हूँ। रेडी, जाओ जल्दी, रोको, भगाओ लोगों को यहाँ से। रुको, एक मिनट, रुको रुको रुको, रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट रुकिए। देखो देखो देखो, यहाँ पे खतरा है, प्लीज आगे मत आना, यहाँ पे खतरा है। बस, जहर बहुत खतरनाक है, हम लोगों को भी प्रोटेक्टिव गियर पहन लेना चाहिए। मेरी गाड़ी में है। जाओ जयंती, जाओ जल्दी। एक मिनट, प्लीज प्लीज, आप रुकिए, प्लीज आप यहीं रुकिए, पीछे जाइए। देखिए सर, ये जगह खतरे से खाली नहीं है सर, हम इस होटल के मालिक हैं। हमारा नाम मनोज है और इनका नाम आनंद। मैं समझ सकता हूँ, प्लीज लेके मालिक। अभी 10 मिनट पहले तो मैं होटल से बाहर निकला था, तब सब कुछ ठीक ठाक था। अजीब बात है, ये अचानक सब कैसे हो गया? ये तो आपका नसीब अच्छा है, इसलिए आप सही सलामत बाहर निकले, समझे? आप प्लीज सचिन जाओ, इन्हें लेकर जाओ, जाओ 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 प्लीज सर। बात मानिए, ये जगह खतरे से प्लीज। दया, चिंता मत करना, कुछ नहीं होने देंगे हम। जल्दी से एंटीडोट ढूंढ के निकाल। तुम चिंता मत करो बॉस, कुछ तो कुछ जरूर करो। एक लोगों की जान तेरे हाथ में है। जैविक हथियार का हमला, शायद यही वो राज है, यही वो खतरा है जिससे पर्दा उठाना चाहता था शेरा, जिसके बारे में हमें आगाह करना चाहता था शेरा। शेरा की मौत के साथ साथ मौत का एक गंदा खेल शुरू कर दिया है उन अपराधियों ने, हमारे शहर के बीचों बीच खड़े रेड स्टार होटल को अपना निशाना बनाकर, जहां कम से कम 200 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें हमारे इंटेलिजेंस के CID ऑफिसर्स भी हैं। क्या होगा उनके साथ? क्या वो जिंदा वापस आ पाएंगे? कितना खतरनाक है वो जैविक हथियार, ये भी एक राज है। होटल को सील कर दिया गया है और हमारी CID की टीम इस हमले का काट ढूंढने में लगी है, पर क्या वो इस हमले से अपने ऑफिसर्स और आम जनता को बचा पाएगी, या फिर आज फिर से हमारा शहर कई बेगुनाहों की मौत का मंजर बेबस होकर देखेगा। तुम सबकी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं सबकी जान बख्श दूंगा, पर उसके बदले में मुझे एक आदमी चाहिए, इस होटल का मालिक मनोज। मनोज? अगर वो होटल के अंदर आ जाता है तो मैं तुम सबको वो जगह बताऊंगा जहां पर इस जहर का एंटीडोट रखा है। माय गॉड, मनोज क्यों बुला रहा है खूनी तुम्हें? सर मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं जानता कुछ। मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, आप अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। देखो आनंद, हम तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मनोज अंदर जाएगा ना, तभी तो जहर का एंटीडोट बताने वाला है। सर आपके लोग अंदर है, वो माइक पर अनाउंस कर, आपके लोग उसे अंदर पकड़ क्यों नहीं लेते? अरे हमने मैनेजर के साथ भी बात की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि माइक पर कौन बात कर रहा है, कहां से बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर जो भी हो, वो खूनी बहुत खतरनाक है, मैं अपने भैया को नहीं जाने दूंगा अंदर। मैं अंदर जाऊंगा। नहीं भैया। आनंद, ये होटल हमारा है और इस होटल में मौजूद हर लोगों की जान माल की जिम्मेदारी हमारी है, और मैं अपने रहते उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं आ गया हूं, बाकी सबको छोड़ दो। छोड़ देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले सुन तो लो कि एंटीडोट रखा कहां है। एसीपी, तुम्हारी दाईं तरफ एक रेड बॉक्स है, उसके नीचे एक पीले रंग का बैग है, उसमें रखा है एंटीडोट।
जो देखो भाई सचिन संभाल क्या धोखा किया सर हमारे साथ एंटीडोट नहीं सर स्माइली बॉम्ब तुम्हें क्या लगा मैं सच में एंटीडोट दे दूंगा सबके सब मरेंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे धोखा दिया तुमने मुझे ये गलत है तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरे अंदर आने के बाद बाकी सब लोगों को छोड़ दोगे मैं हरीशचंद्र की औलाद नहीं हूँ कि जो बोला था वो करूंगा अब तू भी मरेगा सबके साथ बहुत जल्द डॉक्टर आने वाला है यहाँ पे संभालिए संभालिए हाँ सर यस सर क्या लेकिन सर यहाँ पे सबकी जान खतरे में है सर ओके ओके सर क्या हुआ अरे दया के खून में कुछ अजीब सी चीज है दिख हाँ तभी तो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा एंजाइम पहले क्यों नहीं देखा क्या मतलब देख वो होटल के अंदर हवा में जो जहर है ना हाँ। जो लोगों के शरीर में फैल रहा है वो एक तरह सा म्यूटेशन है एक तरह का अलग तरह का एंजाइम और जिस तरह से खून में बदलाव हो रहे हैं ना उसको देखकर लगता है कि शरीर के अंदर जो सेल्स है ना वही एक दूसरे को मार रहे हैं मतलब खुद का शरीर खुद ही को मार रहा है जहर की वजह से हाँ माय गॉड यार ये तो बहुत खतरनाक है अच्छा इसका कोई उपचार है कोई एंटीडोट है अरे भाई इसके लिए मैं पता करना पड़ेगा कि इस तरह का जहर है ये पता लगा यार बहुत सारे लोगों की उम्मीद है हमसे हमारे सीआईडी के ऑफिसर खतरे में भाई सालों के कर रहा हूं मैं कर रहा हूं तो मुझे ये बता कि दया के शर्ट का जांच का क्या हुआ कुछ आया सर उस टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है गुड 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 ये देख रमेश माय गॉड क्या हुआ जिसका डरता वही हुआ इसमें भी पौधे के अंश पाए गए कौन सा पौधा सेक्टस मैपरा सेक्टस मैपरा अरे यार ये तो बहुत खतरनाक होता है और बहुत रेयर भी सर एक गेस्ट गायब है कौन गायब है सर वो यहाँ पे बैठा था शेर बाहर लॉबी में देखो कौन गायब है यहाँ से अभिषेक हाँ यहाँ पे वो रवि बैठा था यहाँ पे वो जर्नलिस्ट हाँ वो रवि जर्नलिस्ट दिख रहा है उधर सर वहाँ लॉबी में तो कोई नहीं है हाँ ये बाहर तो नहीं निकल गया तुम लोग यहीं रुको किसी को बाहर मत जाने देना चलो देखते दे सर प्लीज कुछ करिए हम इस तरह से बैठे नहीं रह सकते वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हैं हमारे ऑफिसर्स हैं वहाँ पे पूर्वी श्रेया दया अभिजीत हम लोगों ने हार मानना नहीं सिखा हर मुसीबत का डट कर सामना किया है कभी हारे नहीं हम इस बार भी नहीं हारेंगे दिखा नहीं हाँ नहीं अभी तक तो नहीं मैं ऊपर देखता हूँ मेरा भी रुक जाओ नहीं रुकूंगा नहीं रुकूंगा क्या करोगे इंस्पेक्टर गोली चलाओगे मुझ पर मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं तो गोली की धमकी मत देना मुझे रवि तुम गलत समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है पीछे रवि रवि बहुत जल्द इंफेक्शन का इलाज मिल जाएगा हम लोग लगे हुए हैं झूठ तुम झूठ से लोगों को बेवकूफ बना सकते हो मुझे नहीं सब मरेंगे कोई नहीं बचेगा रवि देखो हो सकता तुम जो कह रहे हो वो सही मगर प्लीज तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते हम सबको यहीं रहना नहीं नहीं आ जाओ नहीं बाबा मरने से पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं
मेरी बीवी ने आज डिलीवरी की है। मेरी बच्ची ने आज पहली बार आंखें खोली है दुनिया में। ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, और अभी तक मैंने उसे देखा भी नहीं। जी भर के सर नहीं देखा है, मुझे जाने दो प्लीज। देखो रवि, ये बीमारी किसी को छूने से संपर्क में आने से फैल जाती। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी इस बीमारी के चपेट में आ जाए? हैं रवि, नहीं ना, तुम ऐसा चाहते हो? आ जा। नहीं, आ जाओ, आ जाओ। रवि, 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 सर एक काम करना सर, मेरी बीवी बच्चे से कहना कि मुझे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं होगा सर, देखो ना, नहीं होगा सर, लोगों को छोड़ना मत सर, छोड़ना मत सर, आपको छोड़ना मत, रवि, ये तो गया यार। दे? दे? के जहर का असर उन लोगों पे हुआ है। गुड गुड, तारे का काम करो, इसके पोलन कलेक्ट करो, उन्हें एक्सटेंड करो और मुझे दो जल्दी। हाँ। इतना छोटा पौधा इतना खतरनाक कैसे? तारे का, पौधे खतरनाक नहीं होते, इंसान खतरनाक होता है। जिसने भी ये साजिश रची है, मैं किसी भी हालत में उसकी साजिश को पूरा नहीं होने देना है। एट फास्ट, रमेश। हाँ सालू के। यार ये देख जरा, ये देख, ये देख। सालू के? ये कैसे हो गया? हाँ? क्या हुआ सर? ये देख रहा, ये व्हाइट स्पॉट। हाँ, ये सफेद सफेद दाग। हाँ, इसकी वजह से ही असर कम हो रहा है। जानता है क्या है? क्या है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया की वजह से जहर का असर कम हो रहा है। बैक्टीरियास आए कहां से? कहां से आए? जहर का एंटीडोट बना लिया, अब हमें किसी तरीके से उन लोगों तक पहुंचाना है। हमारे पास वक्त नहीं ज्यादा। ये आइडिया आ रहा है क्या? ये इतने बड़े होटल में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होगा ही, कि पूरा का पूरा एंटीडोट उनके मेन डक्ट में डाल देते हैं, तो एयर डक्ट की वाया पूरे होटल में यह एंटीडोट फैल जाएगा और सभी लोगों के फेफड़े में चला जाएगा। Thank you.
भैया, मनोज भैया आप ठीक तो है? मनोज भैया आप बैठिए, बैठिए यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू सर, आपने हमसे अपनी जान बचाई। जान बचाई लेकिन माय ड्यूटी। कभी कभी सारों के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। हेलो क्या भाई? अरे नहीं सर, मजाक कर रहा था। इतना खतरनाक जहर था, जान जाते जाते बची और आपने फटाफट एंटीडोट भी ढूंढ लिया। ये जहर कौन सा था डॉक्टर? सेक्टम सेप्रा। ये एक पौधा है जिसमें ये खतरनाक जहर, और कमाल की बात ये है कि इस पौधे में इसका एंटीडोट भी है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से बाहर निकलो, इस होटल में खतरा है। चलो। क्या हुआ? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, चलो मेरे साथ। एक मिनट में अभी आती हूँ। सर ये पौधा तो मैंने निकी के कमरे में देखा था। जब मैं उसके कमरे में गया था उसे बाहर निकालने के लिए। निकी के कमरे में? मगर सर ये पौधा उसके पास आया कैसे? ये तो रह रहे और जहरीला भी। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि निकी खूनी को जानती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि निकी खूनी है। निकी जी वाह, पहले से ही एंटीडोट ले लिया था और हमारे साथ रहकर ड्रामा करती रही। क्यों किया ये सब? पैसों के लिए किया मैंने ये सब। किसने दिए थे पैसे? हमारी कंपनी ने एक दवाई बनाई थी जिससे कैंसर के मरीजों का इलाज हो सकता था। मैं उस दवा के जरिए अरबों रुपए कमाना चाहता था, लेकिन मनोज इसे भलाई का काम करना था। ये मार्केट में वो दवा कौड़ियों के दाम बेचकर गरीबों की मदद करना चाहता था। वाह, पैसों के लिए भाई की जान लेनी चाहिए तुमने है? एक आदमी को मारने के लिए इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाली तुमने। लोगों को लगता कि आतंकवादी हमले में तुम्हारा भाई मारा गया, पर तुम करोड़पति और अरबपति बन जाते। क्या प्लान बनाया था? तुम लोगों के लिए तो इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं। अगर फांसी से बढ़कर भी कोई सजा होती ना तो वो भी कम होती तुम्हारे लिए। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.